क्लास आपका चैप्टर हो रहा था थर्ड हाफ इज मियान द टेलर, और उसमें मैंने आपको लेट्स ट्राई करवा दिए हैं। लेट्स ट्राई 6 भी आपका हो चुका है, लेट्स ट्राई 7 भी आपका हो चुका है, और मैं आपको बता रही थी एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री के बारे में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से एडजेक्टिव और एडवर्ब डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, लेट्स लुक एट हाउ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर फॉर्म्ड फॉर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से इन फॉर्म्स को बनाया जाता है या किस तरीके से ये बनी होती हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबसे पहले तो डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री जो है वो 3 होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, थर्ड होती है सुपरलेटिव। रूल क्या होता है इनका, पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं होता है, जो वर्ड जैसा है वैसा ही रहता है। कंपैरेटिव में भी अगर आप देखें तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम ER का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम बात सुपरलेटिव की करते हैं तो वहाँ पर हम EST का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कुछ वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव के दिए गए हैं, जैसे क्विक, लॉन्ग, हैवी। तो क्विक का हो जाता है क्विकर, लॉन्ग का हो जाता है लॉन्गर, और हैवी का हो जाता है हैवियर। फिर अगर हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो जाता है क्विकेस्ट, लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट। ठीक है, ये आपके एडजेक्टिव है क्विक, लॉन्ग, हैवी। अब आते हैं एडवर्ब पर। तो एडवर्ब में अगर हम देखते हैं तो एडवर्ब आपका फास्ट, हार्ड और सून दिया है। ठीक है, अब हम अगर इनको डिग्रीज में चेंज करते हैं तो पॉजिटिव में तो ये यही रहती हैं, लेकिन जब हम इसको कंपैरेटिव मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो फास्टर हो जाता है, ही इज़ फास्टर देन मी। ठीक है, तो हार्डर, ही वर्क हार्डर देन मी। सूनर, ही विल सूनर कम हेयर, और या ही विल विन सूनर देन मी, इस तरीके से। तो सूनर का हो गया। अब जब हम इसको किस में चेंज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि ये फास्टेस्ट हो जाता है, हार्डेस्ट हो जाता है, सूनेस्ट हो जाता है, EST ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, 3 और मोर सिलेबस वर्ड रेगुलर, ठीक है, फॉर्म में। तो इनमें आपका मोर और मोस्ट का यूज़ आपको बताया जाएगा बेसिकली। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। जब हम बात पॉजिटिव की करते हैं तो रूल इसका वही रहता है, इसमें नो चेंज है, कोई चेंज नहीं होता है। कंफर्टेबल का कंफर्टेबल रहेगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल रहेगा, प्लीजेंटली का प्लीजेंटली, और स्ट्रांगली का स्ट्रांगली रहेगा। मैंने आपको बताया था LY वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं, तो ये एडवर्ब यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये भी एडवर्ब होते हैं, फास्ट, हार्ड, सून, ये। अब आते हैं कंपैरेटिव पर। तो कंपैरेटिव में जो है, जब 3 और मोर सिलेबस के, जब उसमें 3 वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, 3 सिलेबस है, कंफर्टेबल, ठीक है, तो कंफर्ट और टेबल, अगर आप देखें दो सिलेबस अलग अलग से आते हैं, तो 3 और मोर सिलेबस के जब वर्ड्स होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कंपैरेटिव की बात करते हैं तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव फॉर्म से पहले, जैसे मोर कंफर्टेबल, मोर ब्यूटीफुल, मोर प्लीजेंटली, मोर स्ट्रांगली। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं, मोस्ट का यूज़ करते हैं, मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर आपका आता है मोस्ट प्लीजेंटली और मोस्ट स्ट्रांगली। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रांग होता तो स्ट्रांगेस्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली लगा हुआ है तो हम इसको मोस्ट स्ट्रांगली बोलेंगे। ठीक है, नोट दैट एडवर्ब दैट एंड इन LY ऑलवेज यूज़ मोर और मोस्ट, मतलब वो एडवर्ब जो LY से एंड होते हैं उनमें हमेशा मोर या मोस्ट लगता है, सच एज मोर क्विकली और मोस्ट क्विकली। ठीक है, जैसा कि आपके में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका है जो सेंटेंस आपका है, मोर क्विकली और मोस्ट क्विकली। ठीक है, तो ये आपका, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको क्विक, क्विकर और क्विकेस्ट बताया था, तो यहाँ पे LY नहीं लगा है क्विक में, लेकिन अगर क्विकली लिखा हुआ है तो मोर क्विकली होगा और मोर मोस्ट क्विकली होगा। इट इज़ करेक्ट टू से मोर लॉन्गर और मोस्ट स्वीटेस्ट। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज फॉर एडजेक्टिव एडवर्ब विद 1 or 2 सिलेबस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म विद द ER एंड EST सफिक्स, वी डोंट नीड टू एड मोर और मोस्ट। देखिए, लॉन्गर और स्वीटेस्ट, अगर हम देखें तो लॉन्गर में ER लगा है और स्वीटेस्ट में EST लगी हुई है, तो इन वर्ड्स में क्योंकि ये LY के वर्ड्स नहीं हैं तो इनमें ये EST और ER सही है, इनमें मोर या मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनमें LY नहीं लगा होता है या जो आप कह सकते हैं 1 or 2 सिलेबस के होते हैं, वो कंपैरेटिव डिग्री ER और EST से बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पर,
ऑल्सो फॉर एडजेक्टिव एडवर्ब्स वी मोर देन टू सिलेबस विच रिक्वायर द वर्ड मोर एंड मोस्ट इन द कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म वी एड द वर्ड मोर मोस्ट इन फ्रंट ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. देखिए मोर और मोस्ट का यूज़ जो है वो आपका पॉजिटिव फॉर्म जो होती है कम्फर्टेबल या ब्यूटिफुल इनसे पहले इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, टू सिलेबस विच रिक्वायर द वर्ड, टू सिलेबस के जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या ज़रूरत होती है हमें मोर या मोस्ट की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं, क्योंकि ये टू सिलेबस के वर्ड्स हैं अगर आप देखेंगे ऊपर वाले. लेकिन जब आप बात करते हैं थ्री सिलेबस वर्ड की तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है. सम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रॉम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इज़ एन इरेगुलर मैनर. कुछ जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में इरेगुलर मैनर में होते हैं. ठीक है, इरेगुलर मैनर जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए एडजेक्टिव आपके दिए गए हैं, ये है एडजेक्टिव और यहाँ पे आपके एडवर्ब दिए गए हैं. तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो वर्ड आपके पॉजिटिव डिग्री में तो कोई चेंज ही नहीं होता है, तो जैसे गुड, बैड, लिटिल, मैनी और मच. अब इनको जब हम कंपैरेटिव में करते हैं तो गुड का बेटर हो जाता है, गुडर नहीं होता है या मोर गुडर नहीं होता है, नहीं बेटर हो जाता है गुड का बेटर और फिर आपका ESC लगकर बेस्ट हो जाता है. बैड का वर्स और फिर आपका वर्स्ट हो जाता है. ठीक है, लिटिल का लेस और लीस्ट हो जाता है, मैनी और मच का मोर या मोस्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये जो वर्ड है गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं आपके ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें पूरी तरीके से वर्ड ही चेंज हो जाते हैं एक तरीके से. अब एडवर्ब में आते हैं तो एडवर्ब में भी कुछ ऐसा ही हाल है. वेल, ठीक है, यहाँ गुड है, यहाँ पर वेल है, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है. तो वेल की जगह फिर यहाँ पर बेटर और बेस्ट आएगा. बैडली, बैडली की जगह यहाँ वर्स और वर्स्ट आएगा. और लिटिल, लिटिल की जगह यहाँ लेस और लीस्ट आएगा. तो अगर आप देखें थोड़ा बहुत चेंज है, बैड की जगह बैडली हो गया, गुड की जगह वेल हो गया. ठीक है, लिटिल का आप लिटिल रखते हैं तो ly का यूज़ किया गया, तो यहाँ पे वर्स और वर्स्ट का इस्तेमाल किया गया. एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज टू शो दैट टू थिंग्स दे आर इन इक्वल अमाउंट ऑफ क्वालिटी विच मीन्स दे आर इक्वल इन सम वे. कभी कभी एडवर्ब और एडजेक्टिव जो होती हैं वो एक ही वस्तु की या दो वस्तुएं जो आपस में एक जैसी क्वालिटी शेयर करती हैं तो तब जो है हम इनको इक्वल वे में इस्तेमाल करते हैं. तो द फ्रेज वी यूज एज जो हम फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं वो एज डैश एज का इस्तेमाल करते हैं. कैसे, माय टीचर इज एज फ्रेंडली एज योर्स, मेरी टीचर उतनी ही फ्रेंडली है जितनी तुम्हारी है. दिस बीच इज एज ब्यूटीफुल एज द वन वी विजिटेड लास्ट, ये बीच उतना ही खूबसूरत है जितना हम लास्ट ईयर गए थे उस वाले बीच पर. ठीक है, आई ड्राइव एज वेल एज माई, मैं अपनी मदर जितना ही अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकता हूँ. शी डांस एज ग्रेसफुली एज अ टीचर, वो अपनी टीचर के जैसी ही नृत्य करती है, उतनी ही ग्रेसफुली वो डांस करती है. ठीक है, तो मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे लेट्स ट्राई 8. अभी के लिए आपका इतना ही है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.